वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब. और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हम बात करेंगे. उसके लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शवाना मुफ्ती. गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन है, लाइफ कोच है और उसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, मीडिया पर्सन भी है. कल भी हमारे साथ इतनी इंटरेस्टिंग इन्होंने गुफ्तगू की. वेलकम टू द शो शवाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच फॉर आई हैड ग्रेट टाइम यस्टरडे. यस एंड आई एम होपिंग कि आज भी बहुत अच्छा रहेगा. जब हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे, प्रीकंसेप्शन की बात करेंगे, जो उसमें तमाम तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, काउंसलिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, हमारे यहाँ नॉर्मली लड़कियों में कितनी अवेयरनेस है, फैमिली कितनी अवेयर है, इस सब पर डिस्कशन करेंगे शवाना के साथ. शवाना, हम नॉर्मली बात करते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तो उन तमाम चीज़ों का अगर हम आगाज करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, फैमिली जिस तरह कल हम बात कर रहे थे कि बहुत खूबसूरत चीज़ है शादी. शादी के बाद जो आता है एक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है औरत का, और उसमें जब आपकी फैमिली स्टार्ट होती है, बच्चे आप पैदा करते हैं, तो उससे जो पूरा एक पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसको आप बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस बना सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको ना पता हो चीज़ों का और आपका इतना नॉलेज ना हो, तो कभी कभी वो खुशगवार एक्सपीरियंस आपके ऊपर ट्रामा छोड़ सकता है और आप सारी ज़िंदगी जो है आपस में नोक झोंक में गुजार देते हैं कि जब मैं प्रेगनेंट थी तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, मुझे ऐसी गजा चाहिए थी, या घर वाले, फैमिली, सास ससुर या मैके वाले ही वो सपोर्ट नहीं दे सकते औरत को जिसकी वो उसको जरूरत होती है उस टाइम पे. एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज द टाइम व्हेन शी शुड बी केयर्ड फॉर, एंड जब उसको सबसे ज्यादा हेल्प और सबसे ज्यादा सपोर्ट इस टाइम में चाहिए होती है क्योंकि फिजिकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं. मूड स्विंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको इमोशनल बहुत ज्यादा स्विंग्स होते हैं जिसमें आप ऊपर नीचे, आपको पता नहीं चलता. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में बड़ी नॉर्मल होती हैं, लेकिन बाहर वाले आउटसाइडर जो होते हैं उनको नहीं पता. जिस तरह वो कहते हैं जी बहू तो जब से आई है सो ही रही है, हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उसमें नींद आपकी, आप थोड़ी से फटीग हो जाते हैं, आपको थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, थके थके थकावट रहती है, ऊपर से पहले ट्राइमेस्टर में आपको उल्टियां इतनी आती हैं, और उसके बाद आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का एलिमेंट, नींद बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाती है, आपको स्मेल आती है. अच्छा, आपकी वो जो आपकी सेंसेस होती हैं वो एनहांस हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती हैं. जिस तरह से आपने कभी देखो ना एयरपोर्ट पे जो वो जो डॉग्स होते हैं स्निफ कर रहे होते हैं, एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये ट्रू बात है. उसमें ये होता है कि आदमियों की भी एक, ह्यूमन बींग्स की एक स्मेल होती है, उसके लिए भी वो कभी उनको लगता है किचन में जाएं तो चिकन मुर्गी पक रही है, उसकी स्मेल, और फिर वो उसकी स्मेल देखते उनको मतली आना शुरू हो जाती है. So, ये बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग इतना सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती है ना उससे पता करें, उससे पता वो कहती है कि मुझे वाकई स्मेल आ रही है. मुझे कभी कभी होता है कि आमतौर पे आपको ह्यूमन स्मेल जो होती है या अपने हस्बैंड की स्मेल वो अच्छी लगती है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी आपको एवर्शन हो जाती है, आपको लगता है कि वो एक अजीब सी स्मेल आ रही है पसीने की, या ये इट्स अ वेरी नॉर्मल फैक्ट कि ये छोटी छोटी बातें अगर आप उनको अवेयर कर दें कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, वो मेंटली रेडी होंगे और इमोशनली आपकी जो वेलफेयर, आपकी वेलबींग के ऊपर बड़ा अच्छा सा जो है ना इफेक्ट होगा. तो सारी फैमिली कहती है ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पूरा एक गाँव चाहिए होता है एक बच्चे को रेज करने के लिए जब वो पैदा हो जाता है. लेकिन प्रेगनेंसी में जो आप सोचते हैं, जो औरत जिस एक्सपीरियंस से गुजरती है, वो अगर खुश रहती है तो बच्चा भी खुश खुश पैदा होता है, वरना बड़ा क्रैंकी सा, कॉलिकी सा, गैस वाला बच्चा पैदा हो जाता है. ठीक हो गया. फैमिली, हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग, फैमिली को ये चीज़ें अंडरस्टैंड, लड़की को तो हम समझा देंगे, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो इस फेज में से गुजर रही है, कि उसको तमाम तरह सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके अगर इमोशनल उसके स्विंग्स हैं, मूड स्विंग्स हैं, या उसका कोई फिजिकल चेंज है, या उसका कोई मूड स्विंग है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. फैमिली कितनी अवेयर होनी चाहिए? फैमिली थेरेपी करनी चाहिए, थेरेपी करनी चाहिए. मेरा तो ख्याल है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो हर विजिट पे उसके साथ उसके हस्बैंड को तो आना ही चाहिए. लेकिन कुछ इनिशियल विजिट्स होते हैं, उसके अंदर अगर उनके बाकी फैमिली मेंबर्स भी आ जाएं जो कि उसकी फैमिली के साथ डे टू डे इन्वॉल्व है, ये तो आपके डायनेमिक्स हैं कि किस तरह आप रहते हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, उसका सपोर्ट कौन करने वाला है, तो अगर वो पहले आ जाएं और डॉक्टर उनको हदायत दे दे और कम अज कम बता दे कि क्या चीजें एक्सपेक्ट करें, अगर आपको पता हो ना कि ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर आपका जो रिस्पांस उसकी तरफ होता है जरा बेहतर हो जाता है. अभी आप गाड़ी की बात कर रही थी तो मैं एक बात ऐसे ही बता दूं बीच में, सीट बेल्ट तो वैसे यहाँ लोग बहुत कम लगाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों को सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए. और वो समझती हैं कि क्योंकि हमारा जो है बेली बीच में आ रही है तो शायद
مستثنی نہیں हुँ. لگائیں گے تو لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ابڈومینل ٹراما کی وجہ سے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا. سیل بیلٹ پریگننٹ عورتوں کو ضرور لگانا چاہیے, ہر انسان کو لگانی چاہیے لیکن پریگننٹ خواتین کو زیادہ ضرور لگانی چاہیے کیونکہ اب وہ دو جانے ہیں نا, تو اس لیے ان کے اوپر ڈبل برڈن ہے, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو پلان کر کے, اور ویسے ہی کبھی کبھی تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم پلان نہیں تھے, لیکن اگر آپ پلان پریگننسی کر رہے ہیں, آپ سارا کچھ سوچ رہے ہیں, تو آپ کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے کانسیکوینسز کے لیے, ایک بہترین پیدائش کے لیے اور بچے کو بعد میں ریز کرنے کے لیے, یو شوڈ بی مینٹلی ریڈی فار دیٹ. اچھا شوانا, ابھی آپ پلان کہہ رہی تھی اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہمارا فیملی پلاننگ اور اس طرح کی چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں, اور جب ان ایکسپیکٹڈ سی پریگننسی ہے اس میں ڈفرینٹ طرح کا سینیریو ہوتا ہے, ڈفرینٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ اگر بہت زیادہ عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ پریگننٹ ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے تھے, تو آف کورس وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, دے ور ٹرائنگ ویری ہارڈ, تو ان کا جو ایک خوشی کا لیول ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے, بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اموشنلی جو ہوتے ہیں وہ بڑے اس چیز کے لیے ریڈی بھی ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, ویسے تو یہاں پہ شادی ہو جائے تو اگلے دن ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی خوشی کی خبر سناؤ, تو یہ ویری کامن سینیریو, آپ کو نہیں بھی سنانی تو جو محلے والے اور جو آس پاس والے ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں, تو اٹس اے ویری پرائیویٹ تھنگ. لیکن اگین اگر آپ کا کلچر ایسا ہے جس میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں, تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے اس کے لیے. ایج بڑا میٹر کرتی ہے کہ کیسے آپ پلان کر رہے ہیں. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ رشتہ اچھا نہیں ملا تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شادی لیٹ ہو رہی ہے, لیکن اگر میڈیکلی اویئر ہو جائیں کہ کس ایج میں آپ کو, اگر صرف فرٹیلیٹی کی بات کریں تو آپ کو ایزی ہوتا ہے کنسیو کرنا, یا پیدائش کی جو عورت کو صلاحیت ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کی, وہ 20s میں جو ہوتی ہے, 24-25 میں اس کی بڑی پیک فرٹیلیٹی ہوتی ہے, صلاحیت اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب اگر آپ گراف دیکھیں تو آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے, زیادہ نہیں, 30s تک سیم ہی رہتا ہے لیکن ہلکا سا نیچے آتا ہے. پھر اس کے بعد جو صلاحیت ہوتی ہے 30s میں ذرا اور کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے بنانے ہیں اور جتنے بھی پیدا کرنے ہیں, کوشش کریں کہ ٹائملی میرج کر کے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شادی فور سیک آف شادی کر لیں اور کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے تو صرف جی کہ ہم نے ٹائملی میرج کرنی ہے, لیکن چونکہ آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا کہ لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں, تو اگر آپ نے لیٹ شادی بھی کرنی ہے تو تھوڑا سا اپنی لائف کو اگر آپ پلان کر لیں کہ میں اس ٹائم پہ, یہ باقی تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی بات نہیں, لیکن اگر آپ میڈیکلی اویئر ہو جائیں تو اپنی تھوڑا سا پلان کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ 30s میں جائیں اور 35 کے بعد تو گراف اور نیچے چلا جاتا ہے, تو اس لیے جو ہے, اور اس کے بعد 35 کے بعد اور مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم, جینیٹکس جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ بچے کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں, آ سکتی ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس ایج میں کیا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا شوانا, ابھی آپ نے لیٹ میرجز کی بات کی, اس کے بعد بھی کچھ لڑکیاں مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتی ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے. کچھ کپلز جو ہوتے ہیں ان کا پلان ہوتا ہے کہ ہم نے, لیکن سوشل پریشر, بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں وہ پریپیئرڈ نہیں ہے, بٹ اسٹل دے ہیو ٹو ڈو. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ان کو میڈیکل نالج دے دیا جائے, انہیں بس یہ بتا دیا جائے کہ دیکھیں اگر 35 ایئرز آپ اولڈ ہیں نا, تو اس میں آپ کا ڈاؤن سنڈروم, جو مینٹلی ریٹارڈڈ یا اسپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں, اس کا رسک ہے 1 in 400. 400 بچے پیدا ہوں گے تو 1 افیکٹڈ ہوگا. اگر 40 سال کی ایج ہے تو 1 in 40. آپ دیکھیں کہ کہاں سے وہ رسک بڑھ کے کہاں پہ ہو گیا. اب اگر آپ نے نالج دے دیا تو آپ نہ تو ججمنٹل ہو سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا, یا لیٹ شادی کیوں کی, یا کیوں شادی کے بعد شادیاں فلاپ بھی تو ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈیورسز ہو جاتی ہیں, پھر بچے بےچارے بیچ میں دب جاتے ہیں. تو شادی فور سیک آف شادی نہیں میں بتا رہی, لیکن یہ میڈیکل نالج ان کو دینا ضروری ہے, تاکہ پھر وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے کانسیکوینسز سمجھتے ہوئے کیا ہے. آج کل تو جینیٹک اسکریننگ ہو جاتی ہے اگر آپ 35, لیکن بہت کم لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. اگر ڈاکٹر آپ کو اگین سارا نالج دے رہا ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں اگر 35 سے ابو ہیں, تو اس آپ کو کروا لینی چاہیے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے, اللہ معاف کرے, مسلمان ہیں ہم, تو حمل کو ضائع کرنے پہ بلیو نہیں کرتے, تو پھر ہم اگر بچے کا ٹیسٹ اب نارمل بھی آیا ہے تو ہم وہ کیوں کروائیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کی بات, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نالج دینا ہے ایز اے ڈاکٹر, باقی تو آپ کی مرضی ہے آپ نے اس پہ کام کرنا یا نہیں کرنا, لیکن آپ کی تو ذمہ داری ہو گئی نا ایز اے ڈاکٹر کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ جینیٹک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے, اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی آج کل اویلیبل ہے. وہ 9 weeks سے آن ورڈ, مطلب 9th ہفتہ اسٹارٹ ہوتے ہی اس سے آن ورڈ آپ وہ ٹیسٹنگ کروا سکتے ہیں,
और उसमें आपका रिस्क फैक्टर आ सकता है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो फिर तो देखें ना, फैमिली हिस्ट्री भी है, खाली एज की बात नहीं है, आपको जरूर करवानी चाहिए। अगर 9 हफ्ते से ऑनवर्ड आपने मिस कर दी तो 11-14 वीक्स में भी होती है, फिर 15 वीक के बाद भी होती है। तो ये आपको सिर्फ नॉलेज देना है ताकि औरतें हेल्थी प्रेगनेंसी के साथ हेल्थी बच्चे की जो है दे कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट। लवली लवली शवाना, अभी हमने लेट मार्जेस की तो बात की, कुछ जल्दी और छोटी उम्र में भी शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद भी प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, उसमें ये देखें टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। बिल्कुल, आजकल टीनेज प्रेगनेंसी हो तो नहीं रही, लेकिन अगेन फॉर सम रीजंस काफी देहातों में अभी भी ये है, काफी ज्यादा एग्जिस्ट करती है। उसमें प्रीटर्म लेबर और प्री एक्लैम्सिया, ये वो वाली बीमारियां हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वो जो प्रेगनेंसी होती है बाई इट्सेल्फ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। और हमारे यहाँ ये भी बहुत ज्यादा है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, इतना आम नहीं है। वो कहते हैं जी बच्चा तो अल्लाह मियाँ ने दे दिया, अब उसको पैदाइश करने में भी अल्लाह मियाँ हेल्प कर देगा, तो वो घर में ही रहते हैं, एक या दो दफा पूरे 9 महीने में चले गए और डॉक्टर को दिखा लिया। उसमें फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं, थोड़ी सी समझ बूझ भी आ जाती है, या अब लेके जाने वाला कोई नहीं है, खुद आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, मल्टीपल सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन टीनेज प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है और उसको बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स करनी चाहिए डॉक्टर के पास, और सारी वो टेस्टिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड और फिर जेनेटिक्स सब कुछ पहले पता करना पड़ता है। शवाना, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, कॉलर ले लेते हैं। मिसेस ताहिर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, प्रोग्राम हमेशा की तरह आपका बहुत ज्यादा यूजफुल और अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। मिसेस ताहिर को सवाल करना चाहेंगी। हाँ जी, असल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मुझे कहते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि बाज यानी कि बड़ी बूढ़ी औरतें सासू माँ टाइप चीजें जो होती हैं वो कहती हैं आटा गूंदो और पंजों के बल बैठ के जैसे पोछा वोछा लगाओ और ज्यादा एक्टिव रहो ताकि बच्चा एक्टिव यानी कि पैदा हो, इस तरह का होता है। लेकिन कई दफा अपनी हिम्मत नहीं भी पड़ती ये सारे काम करने की। ठीक है, आप पूछना चाह रही हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज डॉक्टर रिकमेंड करें। ठीक हो गया। और सेकंड लिए कि जो सेक्शन सी सेक्शन के बाद हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा इतना हिप्स या वेट जो है वो गेन ना हो। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस ताहिर, अभी आपको जवाब लेते हैं। शवाना, अभी मैं सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी पे आने वाली थी, सवाल हमारी कॉलर ने कर दिया, पहले हम इनका एक्सरसाइज वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं। इनकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये था जो कि मुझे समझ आई कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एंड वॉक। ठीक है, अगर देखें अगर कोई मैराथन रनर है और सारी उम्र बहुत एथलीट रहा है या वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, जो कि इस मुल्क में इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपने उस तरफ नहीं जाना ना। हमने तो यहाँ के लोगों को यही बताना है कि अगर आपने पहले एक्सरसाइज नहीं की तो अब थोड़ा वॉक ही कर लें सुबह, और अगर आपका हार्ट बीट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब इतना ज्यादा आप कोई वर्जिश इतनी एग्रेसिव ना करें कि जो आपको बल्कि उल्टा नुकसान हो, तो सुबह की वॉक कर लें या दोपहर को या हर 20 मिनट के बाद। कहते हैं कि आटा गूंद लें, पोछा लगा लें, पंजों ऐसी कोई भी बेंडिंग जिसमें आपके पेट के ऊपर असर पड़ेगा, आप खुद कॉमन सेंस से देखें कि आप इस तरह से आगे की बेंडिंग आप गिर सकते हैं, गिर के बच्चे का हर्ट हो सकता है, और ऐसी कोई भी स्क्वाट वाली पोजीशन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोई मसल खिंच सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है। आजकल तो हमारी डाइट ही इस तरह अच्छी है कि हमारे मसल्स इतने औरत एक जो शुरू की आप देख लें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको पता भी नहीं होता ना, पेट रस्ते में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अगले ट्राइमेस्टर आएंगे तो आपको तो उठना बैठना चलना, और आखिरी 2 वीक्स में तो आप कहते हैं बस अल्लाह मियां जल्दी से फारिग कर दे, तो उसमें तो ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो बड़े बुजुर्गों का सुनना एक हद तक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में सुन लें जो वो कह रहे हैं, उनको निगेट मत करें, करें वो जो आपका डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं। क्योंकि प्रीनेटल योगा वगैरह भी अगर आप कोई ऐसी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग कर लें या कोई मसल खिंच जाए करते करते और आपको उसको पता ही नहीं है तो आप नुकसान पहुंचाएंगे। लोग कहते हैं जी हम हील पहन सकते हैं कि नहीं, तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे नहीं हील ना पहनो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कहने का मकसद है सियाने लोगों का कि गिर ना जाओ। वो इसलिए नहीं कि हील पहनना मना है, लेकिन वो ये है कि आप पहनोगे तो चांसेस हैं कि गिर जाएंगे। कह तो वो आउट ऑफ लव एंड कंसर्न रहे हैं, लेकिन नीचे ऐसी कोई बैठ के आटा गूंदना आई वुड से कि चेयर पे हाई लेवल पे बैठ के अपने लेवल पे करो ताकि कोई मसल ना खिंच जाए, प्रेशर ना हो। और दूसरा उनका सवाल सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का था। जी, सी सेक्शन और नॉर्मल क्वेश्चन क्या था? अच्छा, उनका क्वेश्चन ये था कि सी सेक्शन के बाद नॉर्मली हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। अच्छा, वेट तो जो है ना, आप सी सेक्शन करो या नॉर्मल डिलीवरी करो, खाने पीने से ही होता है। ठीक है, जब से लाहौर में कीमे वाले नान खा रही हूँ ना, वेट बहुत गेन हो गया। तो रिगार्डलेस सी सेक्शन हो, हाँ उसमें ये जरूर होता है
क्योंकि सी सेक्शन के बाद आपके स्टिचेस लगे होते हैं। स्टिचेस में ये होता है कि पहले दो हफ्ते आप वैसे भी उठना बैठना चलना फिरना दो भर हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस नीचे लगे होते हैं तो आपको जरा एक्टिविटी का लेवल जो होता है तो वो जरा ज्यादा होता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहें तो 6 हफ्ते के बाद यूजली हम कहते हैं जब छिला गुजर जाता है 40 दिन के बाद तो आप वॉक करें अपनी गजा को सही करें डाइट को बेहतर करें। तो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी वाले भी बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। सो पर से सी सेक्शन से इसका ताल्लुक नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप खा क्या रहे हैं और आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। लेवल ऑफ एक्टिविटी भी अगर आपने कम ही रखना है रिगार्डलेस ऑफ द मेथड ऑफ डिलीवरी तो आपका वेट जो है वो उतना ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं जी पेट बढ़ गया था सी सेक्शन के बाद, सी सेक्शन कराए थे तो बढ़ गया था। बहन सी सेक्शन की वजह से नहीं बढ़ा था वो, आजकल तो लड़कियां आके मांगती हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दो, हमने नॉर्मल डिलीवरी से नहीं गुजरना। थैंक यू वेरी मच शवाना, बहुत शुक्रिया इतनी जबरदस्त बातें बताने के लिए जनाब। आप शवाने ने एक बार फिर हमें बहुत प्रॉपरली आपको गाइड कर दिया कि किस तरह के मामलात हैं और आप किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्टपार्टम जो भी आपके डिप्रेशन है एंजाइटी है उनको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक लेंगे और शवाना हमें आनंदा आने वाले दिनों में भी ज्वाइन करने वाली है तो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे। आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए जागो लाहौर।